अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे नेबर्स में ना एक सऊदी फैमिली रहती है, उनके घर वैसे हमारा आना जाना तो नहीं है लेकिन सलाम दुआ ज़रूर है, और कभी कभार ना उनके बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। अगर कभी कुछ उनको पूछना हो ना, उनकी जो इंग्लिश की बुक है तो उसमें से कुछ पूछना हो तो वो आ जाते हैं मेरे पास। आजकल इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बस कुछ पूछना था तो वो मेरे पास आ गए, तो मैं बस ऐसी उनकी बुक देख रही थी। तो इस पर ना ये QR कोड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान में भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान में ओ लेवल्स या ए लेवल्स का तो मुझे नहीं पता, शायद उसमें ये चीज़ हो, लेकिन जैसे जो पंजाब बोर्ड है हमारे इधर पंजाब में, वहाँ पर तो ये चीज़ अभी तक नहीं देखी है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए ताकि जो बच्चे अगर ट्यूशन नहीं जा सकते या कोई और उनको हेल्प करने वाला नहीं है तो वो इस तरह आसानी से खुद घर पर पढ़ सकते हैं बैठ के। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। When I grow up, I want to be a TV reporter. When I grow up, I want to be a scientist. When I grow up, I want to be a writer. When I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a presenter. When I grow up, I want to be a teacher. अच्छा, सऊदी अरब में अब काफ़ी इंग्लिश को ना प्रमोट किया जाता है इनके बच्चों में, और इनमें ख़ुद भी देखा है कि अब इनको ना इंटरेस्ट है कि हम इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में बात करें। और ये अच्छी बात है, टाइम के साथ साथ चेंज होना भी चाहिए। और काफ़ी कुछ यहाँ सऊदी अरब में भी अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चेंजिंग हो चुकी हैं। अच्छा जी, बच्चे दोनों चले गए थे पढ़कर, और फिर मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, क्योंकि वैसे तो कोई फ्रूट नहीं खाता तो इस तरह ना फिर ये होता है कि सब खा लेते हैं और बड़ा अच्छा सा फ्लेवरफुल और कलरफुल कम्बिनेशन बन जाता है। हम लंच तो नहीं करते, हम अपना लंच जो है वो स्किप करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही इतना लेट होता है कि फिर लंच क्या करना। और फिर ये होता है कि कुछ ऐसे लाइट सा खा लेते हैं। सारा दिन ना बस ऐसे ही गुजर जाता है, कोई ना कोई काम कर लो। और मुझे बस ये होता है कि मैं अब डेली वीडियो अपलोड करूं, तो बस मुझे ये होता है कि मुझे कोई कंटेंट मिल जाए जिस पर मैं काम करूं, और फिर रात को सारी ये वॉइस ओवर करती हूं, क्योंकि दिन में मैं बहुत कम मोबाइल यूज़ करती हूं। क्योंकि अगर पेरेंट्स ख़ुद ही अगर सारा दिन फ़ोन को लगे रहेंगे तो फिर बच्चों ने तो ज़ाहरी बात है कि खुद कहना है कि हमें बस फ़ोन दे दें। मेरी मामा से ना ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं होता, तो उनका यही होता है कि जो काम बैठे बैठे मैं कर सकूं तो बस फिर वो कर देती हैं, ऐसे बैठकर लगी रहती हैं। फिर कभी कुछ ना कुछ, जैसे कभी कोई सब्ज़ी काट दी ना, इस तरह बस फिर लगी रहती हैं वो। ये पापा के कुछ कपड़े थे प्रेस होने वाले, कल तो मैंने नहीं किए, कल मैंने वैसे ये वॉश किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज फ्री हूँ तो आज इनको प्रेस कर लूँ, टाइम भी है और फ्री भी हूँ। और बस अब इनको प्रेस करूँगी, और हैंगर्स ना मैं एक दफ़ा निकाल लेती हूँ और साथ साथ प्रेस करती जाती हूँ, और फिर साथ साथ ना इनको हैंगर्स में सेट करती हूँ, फिर एक साथ ना हैंग कर देती हूँ अलमारी में। मेरी एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान में होती है और वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है। हमारी दोस्ती क्लास 7th में हुई थी, फिर एक साथ हमने मैट्रिक किया। आफ्टर मैट्रिक फिर यही होता है ना कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, वो आर्ट्स की तरफ चली गई और मैंने साइंस रखी थी। लेकिन फिर भी कभी कभार उससे बात हो जाती थी, जब तक हमारे घर में PTCL था। उस ज़माने में ना ये मोबाइल शुमाइल नहीं होते थे, PTCL फ़ोन होता था। लेकिन जब हम सऊदी अरब शिफ्ट हो गए तो बस फिर किसी से इतना रابطہ नहीं रहा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है
कि उसने मुझे फेसबुक पर सर्च किया और मुझे फिर ढूंढा, फिर मुझे मैसेज किया और अब हमारी बात हो जाती है 5-6 माह से और अब हम ना इजीली व्हाट्सएप पर बात कर लेते हैं। ऐसे कोई बहुत पुराना दोस्त मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है ना। फिर सारी बातें शेयर करता है इंसान उस टाइम से लेकर अब तक के क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ बीता ज़िंदगी में। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान गए तो फिर मैं उससे ज़रूर मिलूँगी, इस बार तो हम नहीं जा सके कोरोना की वजह से। एक दिन ना मेरी इससे बात हो रही थी, कल बल्कि बात हो रही थी हमारी, तो मुझे कह रही है कि तुम्हारी वीडियोस ना बहुत सादा होती हैं, आजकल ना कोई इतनी सादा वीडियोस नहीं देखता, तो थोड़ी बहुत ना मिर्च मसाला भी डाला करो, किसी एक्टर की कोई वीडियो लगा दिया करो। तो मैं उसको यही कह रही थी कि अच्छा नहीं है कि सादी वीडियोज़ हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे पसंद है, तो अगर मैं इसमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंजिंग करूँगी, मतलब कि किसी और की वीडियोस को भी अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वही दिखाती हूँ जैसी मैं हूँ और जैसा मेरा घर है या जो मैं करती हूँ, मैं वही अगर शेयर करूँ तो मुझे इसी काम में ज़्यादा मज़ा आता है। और जी सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं प्रेस और उनको हैंग भी कर दिया है और अब शाबाश मिलेगी मुझे पापा से। मेरे पापा ना शलवार कमीज़ बहुत कम पहनते हैं, जैसे बस कभी मक्का या मदीना चले गए तब बस पहन ली या कभी ईद पर बस पहन ली। और जी अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रात की रूटीन। आज हमने रात के खाने में बनाया है ये सालन अरवी और बैंगन का, साथ में ये सैलड है। सैलड हमारे घर में लाजमी होता है, चाहे अकेला खीरा ही काट लो या टमाटर हो, लेकिन मस्ट होता है कि कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेना है, अगर जिस दिन ना हो तो बस फिर मज़ा नहीं आता खाना खाने का। और जी बस अब रोटी पकाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। आज बस मैं मामा के साथ ही खाऊंगी उनकी प्लेट में, उन्होंने मेरे हिस्से का सालन भी डाल लिया था, कहती मेरे साथ ही खा लो, तो मैं कहा चलें ठीक है मैं आपके साथ ही खा लेती हूँ। और बस जी अब हम खाना खाएंगे और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अगले पल का नहीं पता, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे को इज़्ज़त दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।